फ्रेंड्स, गर्मियां आ गई है और आपको पता है गर्मियों में मेरा फेवरेट ड्रिंक कौन सा है? फ्रूटी। आपका भी होगा, मुझे तो नहीं मिला कहीं पर भी। आपको मिला क्या? अगर मिल गया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कहाँ मिल रहा है आपको। तो मैंने क्या सोचा कि मार्केट में तो मिल नहीं रही है फ्रूटी, तो एक काम करती हूँ, मैं उसे घर में ही बनाती हूँ। और सच में जब मैंने उसे बनाई है ना, तो इतनी टेस्टी बनी है वो कि मार्केट की जो फ्रूटी होती है उसको भी उसने पीछे कर दिया। तो वेट क्या कर रहे हैं, चलो ना आपको भी बताती हूँ कैसे बनाते हैं, चलिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं फ्रूटी, और इसके लिए हमें चाहिए एक पका हुआ आम और दो कच्ची कैरी। ये कच्चे आम है तो ये मैंने दो ले लिए हैं, और ये इसकी क्वांटिटी एक बड़ा आम लेना है। अगर आप चाहें तो दो छोटे आम भी ले सकते हैं और दो कच्ची कैरी भी यूज कर सकते हैं। और मैंने ली है हाफ कप शुगर। बस इतनी ही चीजें चाहिए फ्रूटी बनाने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें। ये पैन लिया है जिसमें हम इसे बॉईल करेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और वेट, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाद में आप ये करना भूल ही जाते हैं। तो बेटर है कि आप इसे अभी ही कर दें और फिर रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंगो को पील कर लेना है और इनके छोटे छोटे पीसेस करना है। मैंगो को मैंने पील कर लिया है, अब इसे मुझे कट करना है। तो इसमें ऐसे जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल इसको छोटा छोटा कट करें, आप थोड़ा सा बड़ा भी कट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसे बॉईल करना है और उसके बाद में हमें इन्हें ग्राइंड करना है। तो आप कैसे भी कट कर सकते हैं, कोई इसमें कंपल्शन नहीं है। और ये जो मैंने प्रपोर्शन लिया है मैंगो का, ये आप चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो ये कच्चा आम था, कैरी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी साइज में, इसलिए मैंने एक बड़ा पका हुआ आम लिया और दो छोटी कैरी ली है। आप चाहे तो दो आम भी ले सकते हैं पके हुए, और अगर आपके पास में जो कच्चा आम है वो साइज में काफ़ी बड़ा है तो एक आम भी आप ले सकते हैं। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। जिस बर्तन में हमें बॉईल करना है उसी में कट कर लेते हैं, ताकि ज़्यादा बर्तन गंदे ना हो। मैंगो मैंने कट कर लिए हैं, अब मैं इसमें डालने वाली हूँ एक ग्लास पानी, और इसमें डाल देंगे हम शुगर, और अब इसे रख देंगे बॉईल होने के लिए गैस पे। तब तक बॉईल करना है जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाता है। अब 10-15 मिनट तक हम इसे बॉईल होने देंगे मीडियम फ्लेम पर। इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि शुगर अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। ये मैंगो अच्छे से पक चुके हैं, अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। मैंगो हमने बॉईल किए थे, अभी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, अब हम इन्हें पीस लेंगे। आप चाहे तो मिक्सर में डाल के इसे पीस लीजिए, लेकिन मैं थोड़ी सी आलसी टाइप की हूँ तो मैं इसी में इसे ब्लेंड कर लूंगी, क्योंकि सारे बर्तन मुझे ही मांजने पड़ रहे हैं अभी। तो मैं डायरेक्टली अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, अब हम इसमें डालेंगे ठंडा पानी। अच्छे से पानी को भी मिक्स कर देंगे इसके साथ में, और अब हमें इसे स्ट्रेनर की हेल्प से छानना है। ये एक स्ट्रेनर ले लिया मैंने, छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे रेशे होते हैं, तो वो रेशे हमारे ड्रिंक में नहीं आएंगे, वो इसी पे स्ट्रेनर पे रह जाएंगे और हमें एक स्मूथ ड्रिंक मिलेगा। अगर आपको छानने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप पानी ऐड करते रहिए, क्योंकि अभी भी ये बहुत गाढ़ा है और फ्रूटी की कंसिस्टेंसी हम जानते हैं, उसी कंसिस्टेंसी का हमें बनाना है इसे। तो आप पानी भरपूर ऐड कीजिए इसमें। ये अच्छी तरह से हमने छान लिया है,
हम इसमें देख लेते हैं कि हमें कितना पानी और ऐड करना है, और ये डिपेंड करता है कि मैंगो में कितनी मिठास थी, तो उस पर डिपेंड करेगा कि अभी हमें और शक्कर ऐड करना है या नहीं करना है इसके ऊपर। तो बीच में हम इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेंगे। अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा थिक है, इसमें और पानी हम ऐड करेंगे। तो ये अब हमारी फ्रूटी बनके तैयार हो गई है, इसको टेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ भी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। शुगर भी बिल्कुल परफेक्ट है और शुगर इसमें ऐड नहीं करने की ज़रूरत है। तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा कि आपको और शुगर चाहिए या नहीं चाहिए। मेरी तो अभी ये फ्रूटी बनके तैयार हो गई है, अब मुझे सिर्फ इसे ग्लास में निकालना है और पीना है। सर्व कर लेते हैं, इसे तो बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है। सबसे पहले हम इसमें आइस क्यूब डाल लेते हैं। ये मैंगो फ्रूटी तो बनके हमारी तैयार हो गई, अब बस इसे फटाफट से पीना है। तो देखा आपने कितने कम इंग्रेडिएंट में हमने मार्केट स्टाइल में फ्रूटी बना ली है। तो आप भी बाहर वाली फ्रूटी छोड़िए, घर में ही बनाइए। कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं है, काफ़ी हेल्दी ड्रिंक है और काफ़ी सस्ता भी पड़ता है घर में बनाना। तो आप भी ट्राई कीजिए इसे।